क्या हो गया? अरे यार उन चूतियों पर असरा जो कह रहे थे कि यार रोहित शर्मा फिट नहीं रहे हैं T20 में, यार टेबल नहीं है, फिनिश हो गए हैं T20 से। रोहित शर्मा ने आखिरी बार रन कब बनाए थे T20 में? स्ट्राइक रेट देख रोहित शर्मा नहीं है प्लेयर। आप कितने बायस्ड हैं रोहित शर्मा को लेकर। क्या किया रोहित शर्मा ने? ये किया रोहित शर्मा ने, 5 शतक मारे सबसे ज्यादा T20 में, 169 गेंदों में 121 रन। और आ रखते हैं यहाँ पे वो भी ठीक है, 2 सुपर ओवर, 2 सुपर ओवर में इंडिया के लिए रोहित ने रन बनाया, किसी ने रन ही नहीं बनाया सुपर ओवर में। भाई सबको गाली दे रहा था आज, अंपायर हो गया, कुछ भी हो, किसी को छुट्टी अभी से लड़ गया क्या? अपने प्लेयर हो, दूसरे प्लेयर हो, सबको गाली, सबको गरियान है भाई। आज तो मूड में था कि भाई MI की भी उसने बजाई है भाई, आज भाई ने गाली दी कि यार मेरे अलावा को रन नहीं बना पाते, दिमाग खत्म। ऐसे मैं खेलता नहीं क्योंकि टीम जिता देती थी, आज टीम उड़ रही है तो भाई मैं खेलूंगा भाई, आज यही इनसे हार नहीं सकते, क्लीन स्वीप करना है। यही दो सुपर ओवर हुए आज, 2 सुपर ओवर भाई मजा आ गया। मैंने तो इससे पहले 2 सुपर ओवर एक मैच में तो नहीं देखे भाई, पहले ही टाइम था, 1 सुपर ओवर देखा था, ये दूसरा भी हो गया आज, और दोनों सुपर ओवर कर रहे। दूसरा सुपर ओवर जो हुआ था उसमें तो वन साइडेड था, उसमें तो पेल दिया रवि बिश्नोई ने अपनी बॉलिंग से, बट जो पहला सुपर ओवर था वो भी कर रहा रोहित शर्मा, 2 छक्के भाई, मतलब फिर दूसरा सुपर ओवर 1 छक्का 1 चौका। हाँ भाई मजा आ गया। स्वास्थ्य तीसरा T20 हुआ चिन्ना स्वामी स्टेडियम, और सबको उम्मीद थी कि हाई स्कोरिंग मैच होगा क्योंकि चिन्ना स्वामी स्टेडियम में है, और हुआ भी ये। लेकिन और भाई इतनी सारी चीजें हुई हैं, यहाँ तक कि देख ले कोहली की फील्डिंग, कोहली का वो छक्का, कोहली का 0 रन T20 में, पहली बार भाई T20 में 0 रन भी बनाया। आज के मैच में तो भाई क्या नहीं हुआ है, तो मैच में वही आज है, मैं वही कह रहा था कि हाई स्कोरिंग की उम्मीद थी, सबको हाई स्कोरिंग हुआ, लेकिन शुरुआत नहीं हाई स्कोरिंग, लोग कह रहे थे कि 170 बन जाए, बहुत बड़ी बात। 20 रन पे 3 विकेटें थी हमारी, और एंड में 212-13 रन, 5 ओवर में 109 रन पड़े, वो ठीक है, आखिरी ओवर में 36 रन, मान सकते हो तुम 36 रन आखिरी ओवर में पड़े, टीले के छक्के मारे भाई रोहित। और रिंकू सिंह ने भाई क्या पारी खेली है, रिंकू सिंह ने मतलब कि रिंकू सिंह और रोहित शर्मा की 190 की पार्टनरशिप हुई है लास्ट विकेट के लिए, जो चौथी छठी पांच विकेट कौन सी भी थी, 190 रन की पार्टनरशिप T20 में। मतलब लोगों से भाई ODI टेस्ट में 190 की पार्टनरशिप नहीं होती है, T20 में 190 रन की पार्टनरशिप, आर यू किडिंग मी ब्रो, मतलब भाई आग ही लगा दिए यार। लोग हमारे में कमेंट कर रहे थे कि रोहित शर्मा क्या है, आप तो चटते रहते हो रोहित शर्मा की, तो भाई इसलिए चाटते हैं कि उसके पीछे बैक है, उसके पीछे क्रिकेट है पूरी, उससे बढ़िया कोई खिलाड़ी नहीं मिलेगा। रोहित शर्मा की गेम नहीं है टुक टुक करने की, लेकिन आज रोहित शर्मा ने शुरुआत में टुक टुक की क्योंकि 3 विकेटें आउट हो चुकी थी उधर, फिर जब सेटल हो गया सब पहले भाई पेलो, फिर तो आड़े हाथों झूम लिया है भाई के 40 बॉलों में थे 50 रन जाकर, इतना स्लो खेला उसने क्योंकि तब टीम को जरूरत थी, एंड में 69 में 121 रन। आप दिमाग लगाओ कि कितनी बड़ी बात है, स्ट्राइक रेट सोचो कितना स्ट्राइक रेट इंप्रूव किया है भाई ने हमारे, पर भाई बहुत हरामी है। सुपर ओवर में आवेश, सेकंड सुपर ओवर में आवेश खान को दे दी पहले सुपर ओवर में जब 2 रन चाहिए थे एंड में, तो क्या दौड़ूंगा नहीं मैं, आपने दौड़ने का मतलब दिया नबी ने वहां पे स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई थी, मैं भी दिखाऊंगा, मैं भी अपनी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाऊंगा, मैं भी दौड़ूंगा। कॉमेंटेटर कह रहे हैं कि जिन्होंने एक सुपर ओवर में बैटिंग करनी है दूसरे में नहीं कर सकते, रोहित शर्मा छाती चौड़ी करके दूसरे सुपर ओवर में बैटिंग कर सकते। रिंकू सिंह के साथ पार्टनरशिप की, फिर अपने बॉलर्स को गरियाया, फील्डिंग में सबको गरियाया, फिर नबी को गरियाया, अफगानिस्तान के प्लेयरों को सबको गरियाया, सबको गाली दी है भाई आज रोहित शर्मा, मुझे लगता है कोच को भी गरियाया। ओ भाई साहब यार, अब बताओ क्या, अब हम इस खिलाड़ी के बारे में ना बात करें, विराट कोहली के बारे में ना बात करें, तो किसके बारे में बात करें? विराट कोहली ने आज मतलब 0 रन बनाए, लेकिन फिर भी उनकी बात फील्डिंग भाई ये है भाई, फील्डिंग वो जो दौड़ के उसने कैच पकड़ा है भाई, भाई और एक छक्का बचाया उसने भाई, और एक थ्रो मारा है, रिंकू सिंह ने थ्रो मारा है, उसने मारा भाई, कोहली ने थ्रो मारा है, और कोहली भी गाली दे रहा था नबी को, कोहली भी पैर से बॉल मार रहा है कि ये स्पोर्ट्समैनशिप है, ये दोनों
इनको पता चल गया कि इनका ही ठर्रा इनका ही है भाई, इनकी बारी कोई देखने आ रहा है, इनको पता चल गया, दिल खुश कर दिया यार, मजा आ गया यार, भाई रोहित शर्मा ने कोहली ने सबने क्या मैच था, हाई स्कोरिंग मैच था और भाई सबने मारा है भाई, आज तो बॉलर्स का नाइटमेयर था। चिन्नास्वामी को कहते हैं बैटिंग पैराडाइज और भाई वो बैटिंग पैराडाइज है भाई। रोहित शर्मा ने अपना हाईएस्ट T20 स्कोर बना लिया 121 और मैक्सवेल को पीछे कर दिया है, 4 शतक थे मैक्सवेल के, 5 रोहित शर्मा के हो चुके हैं। अब सोचो भाई इतना बड़ा, इतने बड़े लेवल के खिलाड़ी वहां कौन पहुंचेगा, ये तुम्हारा हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा तो फिनिश्ड है, रोहित शर्मा की बहुत तारीफ करते हो, रोहित शर्मा ये वो है, रोहित शर्मा के रिकॉर्ड देखो भाई, तुम गली क्रिकेट में तुम्हारा 10 का एवरेज नहीं होगा सालों। हाँ यार क्या बात कर रहे, वहां पे आके बात करने लगेंगे कि फिनिश है, ग्रंथ लिखने लगेंगे, कमेंट लिखने लगेंगे। अबे भाई ऐसे ही बात नहीं करते हैं, ठीक है, एक प्लेयर के पीछे क्रिकेट होती है, क्रिकेट होती है मतलब कि वो जब चाहे तब छक्के मार सकता है। अबे अरे ये घटिया लोग है भाई, देखो ये होता है कि अगर प्लेयर के पीछे क्रिकेट है बैक करने के लिए उसको, तो भाई हम क्यों बोलेंगे, आज कोहली भी 0 पे आउट हुआ पर भाई इतना अचीव कर लिया कोहली ने भाई, ये कहना मैच तो चलता है यार, एक पेस होता है भाई आता है, और उस 2-0 के चलते उन्होंने जो वर्ल्ड कप में रोहित ने परफॉर्म किया था उसको भूल गए थे भाई, वही टेम्पलेट था उसका भी आज, और अब उसके पूरे करियर में जितना भी उसका 1-2 साल का करियर बचा है वही टेम्पलेट रहेगा, वही अप्रोच है भाई। विल पे छक्के मार ऐसा मैंने कोई खिलाड़ी नहीं देखा, ऐसे दो मात्र एक ही खिलाड़ी है जो अपने करियर के एंड के पास आ रहे हैं और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करते जा रहे हैं भाई, इन दो खिलाड़ी नहीं है एट विल भाई, इतना लगता है ना कि 1 सेकंड ज्यादा है रोहित भाई, न्यूजीलैंड में सुपर ओवर हुआ था उसमें छक्के मारे थे इसने, हर सुपर ओवर में रोहित शर्मा ही जिताता है भाई टीम इंडिया का, पर यार इतना ऐसी कर दी भाई शॉट भाई, मतलब भाई देखो मैं बता दे रहा हूँ, आज तो मैं कर दे रहा हूँ, बैटिंग फर्स्ट में जो नंबर वन बैट्समैन है वो रोहित शर्मा है, और चेजिंग में जो नंबर वन बैट्समैन है वो विराट विराट कोहली, ये दो ही है भाई, डन डन। अब तुम कोई भी फॉर्मेट उतार लो, कोई भी कुछ बोलो, कुछ भी, नो क्रिकेट, T20, वनडे, सब निकालो, सब निकालो। टीम इंडिया के लिए जब ये दोनों चले जाएंगे ना, मैं लिख के दे देता हूँ, ये लिख लो, रोगे भाई रोगे, याद करोगे कि वो दिन थे भाई, ऐसे खिलाड़ी तो आ ही नहीं पाए, ये दो खिलाड़ी कभी टीम इंडिया को मिल ही नहीं पाएंगे, रोहित शर्मा इनकी भी जर्सी वो एक्सपायर कर देनी चाहिए, रिटायर कर देनी चाहिए, इतने बड़े नाम, बहुत बड़े नाम है, रोहित शर्मा ने जो अचीव किया है ना इस एज पे अपने करियर पर आके, सब प्लेयर ऐसे जाते हैं एज में भाई, ऐसे जा रहा है गलती वाइन वाइन की तरह, आज तो भाई रोहित शर्मा तो भाई पेट निकला हुआ है पर छक्के लंबे लंबे भाई, क्योंकि जान, अरे यार वो कोहली के बराबर फिटनेस उसकी, हाँ ये पे एब्स बॉडी शेप करने थी, मतलब नहीं कि उसकी फिटनेस नहीं है भाई, मजाक मजाक में बोल दो, मोटू मोटू कुछ नहीं है, दो तीन रन तो आराम से लगा था, पूरा दौड़ रहा था भाई कुछ नहीं, बस एंड दौड़ रहा था कि दौड़ूंगा नहीं, चौड़ भाई दौड़ूंगा नहीं कुछ कर लो, पर दिल खुश कर दिया रोहित शर्मा ने, और टीम इंडिया ने क्लीन स्वीप कर दिया अफगानिस्तान के साथ सीरीज है, उम्मीद यही थी यार ओके, आराम से टीम इंडिया जीत जाएगी, बट जो आज तीसरा मैच हो गया, मुझे लगता है जय शाह ने थोड़ी स्क्रिप्ट भी लिख दी कि अब आईपीएल आ रहा है तो आईपीएल का आगाज थोड़ा सा कर देगी T20 क्रिकेट इज बैक, जय शाह ने थोड़ी सी स्क्रिप्ट तो लिखी है इधर, पर क्या मैच हुआ यार, मतलब मैं तो भाई बड़े दिनों बाद मैंने ऐसा मैच देखा जिसको देख करके दिल मजा ही आ गई, मतलब पर दूसरे सुपर ओवर का मैं कह रहा था कि मैं बस हो गया, हाँ यार, यार बहुत 11:30 हो गए यार, अभी वीडियो बनाकर सोना भी है दो सुपर ओवर तीन सुपर ओवर बहुत हो जाते यार, मतलब रोहित शर्मा भी आउट, हाँ रोहित शर्मा भी आउट हो गया था, रोहित शर्मा बैटिंग करने भी नहीं आ सकता था सुपर ओवर में, इसके बाद तो बहुत थे दो सुपर ओवर ठीक थे, पर चलो ठीक है, जीत गए, इंडिया को जीतना ही था, वो तो भाई बॉलर नहीं थे इंडिया के पास जैसे डिपेंड कर लिया, मुझे तो लग रहा था एक समय भाई अफगानिस्तान को भी यहाँ पे तारीफ करनी है, ये इंडिया के अगर लास्ट ओवर में 36 रन ना बनते ना अफगानिस्तान जीत गई थी, अरे कोई भी मूवमेंट, तुम कोई भी विराट कोहली को छक्का चला जाता, मगर चला जाता वो जीत जाते, और ये समझ लो कि मतलब कि अफगानिस्तान की भी यहाँ पे भाई फाइट थी सब प्लेयरों ने फाइट दी, मजा दिलाया अफगानिस्तान ने, ऑब्वियसली ताली दो हाथ से बचती है, एक हाथ से नहीं बचती है कभी ताली, सिंपल बात बता दूं, यहाँ इंडिया की तो बहुत तारीफ हो रही है, रोहित शर्मा की बहुत,
पर अफगानिस्तान अफगानिस्तान यही तो कैरेक्टर दिखाती है यार मुझे, तभी तो अफगानिस्तान इतना क्लोज पसंद है, इतना क्लोज आते जा रहे हर मैच के, हर मैच के इतना क्लोज आते हैं वो। अब वो मतलब कि और वो बड़ा अपसेट मारेंगे इस वर्ल्ड कप में। उन्होंने भाई फिनिश लाइन क्रॉस करना भी स्टार्ट कर दिया, पाकिस्तान को हराया इस वर्ल्ड कप में, वो भाई कुछ करेंगे टॉप फोर में। मैं मेरी तो टॉप फोर में अफगानिस्तान आनी चाहिए इस बार वर्ल्ड कप में, टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में। अब अपना सिक्का जमा, उन्होंने जितना इंप्रूव अफगानिस्तान ने किया ना एज ए क्रिकेट नेशन, उतना किसी ने नहीं किया है। या बांग्लादेश कब से कह रहे हैं खुद को कि हम क्रिकेट नेशन अगले सुपर पावर है हम क्रिकेट में, कहां। तो भाई एक स्टैट और है कि रोहित शर्मा ने कुल 42 T20 विंस कर लिए हैं एज अ कैप्टन, जो कि सबसे ज्यादा है। रोहित शर्मा फिनिश है, रोहित शर्मा कहां का कैप्टन है, रोहित शर्मा ये, रोहित शर्मा वो, रोहित शर्मा को खेलना नहीं आता है, सेल्फिश कैप्टन, ये ले लो बाप है तुम लोग का, ठीक है। तो ज्यादा उसके बारे में ना बोलो और तालियां बजाओ, जैसे मैंने कमेंट में कहा था कि तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। रोहित 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 रोहित, चलो फिर चलो ठीक है। आप बताओ आपका फेवरेट मोमेंट क्या था इस पूरी सीरीज से, इस मैच करें इस पूरी सीरीज से, और किसमें मजा आया, और रोहित शर्मा को कितना प्यार करते हो, विराट कोहली को कितना प्यार करते हो। अगर कोई बंदे हैं जो हमारे में नेगेटिव कमेंट लिखते हैं, उन्होंने देखा है तो फिर से हार्दिक पांड्या तुम्हारा बाप है। चलो निकला चलो चलो ठीक है, बाय बाय, या तब तक ले, जय हिंद।